हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में बहुत बहुत स्वागत है। तो मॉर्निंग का टाइम है, बच्चे गए हुए हैं स्कूल और लड्डू इस टाइम सो रहा है। तो इस टाइम मैं धो रही हूँ कपड़े का काम। दो तीन दिन से कंटिन्यूसली बारिश चल रहा है और कपड़े मैंने इसलिए नहीं धो रही थी कि कहीं बात कपड़े धो लूँ और बारिश स्टार्ट होगी ना, तो फिर कपड़े इधर से उधर रखने में वापस वैसे ही गंदे हो जाते हैं, फिर उन्हें पहनने का भी मन नहीं करता है, खुद को अच्छा फील नहीं होता है। तो इसलिए दो तीन दिन से कपड़े रखे हुए थे और कपड़े इकट्ठे हो जाते ना, तो मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। मतलब इकट्ठे कपड़े ये बहुत हैवी सा काम लगने लग जाता है। तो ये देखिए वही बाहरी वाले, इनको बोलने का ना ये लोग फ़ायदा उठा रहे हैं सही में। ये देखो कितनी बुरी तरीके से गंदगी फैली हुई है। अब ये आपको देखने से लग ही रहा है ना कि ऊपर से पानी आया तभी यहाँ पे जमा किया है। तो आज तो मैं देखूँगी, मतलब आज बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ रहा है, पर क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ क्या नहीं करूँ। चलिए कोई बात नहीं, इनको तो ये तो शायद सफाई नहीं करेंगे, मुझे ही करना है। तो यहाँ पे जितने भी एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह थे, बरसात का मौसम है तो ऊपर से सारा मिट्टी बिट्टी वगैरह आती है तो सारी जम जाती है। तो जो भी एक्स्ट्रा शूज़ वगैरह रखे उसे भी मैं अच्छे से जचा करके और उसके बाद यहाँ पे भी क्लीनिंग कर देती हूँ, क्योंकि बाहर गंदगी नहीं छोड़ सकती क्योंकि प्लांट्स रखे हैं। और थोड़ा सा आप ध्यान नहीं दोगे ना तो छिपकली वगैरह कीड़े मकोड़े प्लांट्स में होने का बहुत ज़्यादा डर होता है। तो इसलिए यहाँ भी अच्छे से क्लीन करना, टाइम टू टाइम क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। फिर बच्चे भी बाहर आते हैं, यहाँ पर मिट्टी वगैरह होती है और ध्यान नहीं देते हैं बच्चे यहाँ पर आते हैं, तो फिर थोड़ा बहुत देखो गंदगी तो गंदगी होती है। तो एक तरफ धो रही है मेरी मशीन कपड़े धुल रहे हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ जो जितने में वो कपड़े राउंड लगाती है उतने में मेरी जो एक्स्ट्रा काम है झाड़ू पोछा वगैरह का वो मैं निपटा लूँगी, क्योंकि आज मैंने सुबह नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था मुझे दोपहर में सफाई करनी पड़ेगी। और अच्छे से जिस दिन डीप क्लीनिंग सी करनी होती है ना, अच्छे से क्लीनिंग करनी होती है, उस दिन मैं मॉर्निंग के टाइम पर झाड़ू पोछा नहीं करती हूँ। तो अभी अच्छे से मैं लगा रही हूँ झाड़ू। तो वैसे मैं सोच रही थी क्या करूं कि नहीं करूं, फिर मैंने आज बहुत ज़्यादा हिम्मत जुटाई है और उसके बाद ऊपर वालों से मैं बोल के आई थी। मैंने कहा सोचा आज कि जब तक बोलोगे नहीं तब तक किसी प्रॉब्लम का हल तो निकलेगा नहीं, और लाइफ में ऐसा फर्स्ट टाइम हो रही है। मैं ऊपर वालों से बोल रही थी बट मैं काँप भी रही थी साथ में, तो मैं वो ऑडियो आप लोगों को ज़रूर सुनाऊँगी। भाभी यहाँ धोता कौन है? यहाँ धोता कौन है? जैसे पानी वगैरह गिरता है ना तो कौन सफाई करता है? पानी भी से धोता है ना? पानी से भी धोता है? पानी से कोई नहीं धोता। क्या बात कर रही है, पानी से कोई नहीं धोता। मैं तो ऐसे ही दो तीन दिनों से झाड़ू लगा, ये भी झाड़ू लगा देता, ये तो पोछा लगाती है, लेकिन पानी से कोई नहीं धोता। कुछ नहीं, कई बार पानी से धोते और सीढ़ियों के अपने मतलब गेट खुद के यहाँ सफाई करके नीचे कचरा फैलाना अच्छी बात है। कोई नहीं धोता है पानी से, पानी से कोई नहीं धोता है। बारिश आ रही है ना, बारिश से पहले हो जाता है, बारिश से भारी बारिश हो, पानी से कोई नहीं धोता सच में। पानी से धोगे तो नीचे नहीं गिरेगा, बताओ आप। ऊपर जाकर पानी से धोने लगेगा, मैंने तो गर्मी में धो देती थी पूरा, जब कोई नहीं था आपको नहीं धोती। मैं भी नीचे धो लूंगी ना, फिर नीचे मेरे झगड़ा कर लूंगी। देखा आज मैंने कितनी बहादुरी का काम किया है, मतलब मेरा मतलब पता नहीं यार कि उनसे बोल मैं रही थी और काँप भी मैं ही रही थी, इसलिए मैं मतलब बहुत ज़्यादा मुझे नर्वस महसूस होती है। मतलब लगता है कि किसी को मतलब कुछ ऐसा ना बोल जाऊँ कि उनको फिर बुरा लगे या फिर मुझे कुछ गिल्टी फील हो। तो यहाँ पे दो तीन दिन के कपड़े हैं इकट्ठे हो गए हैं और अभी भी मौसम थोड़ा सा ख़राब चल रहा है, समझ में नहीं आ रहा। अगर बारिश हो गई ना तो फिर बहुत बुरी तरीके से बैंड बज जाएगी, क्योंकि सारे कपड़े यहाँ वहाँ फिर रखने पड़ेंगे, यहाँ वहाँ सुखाने पड़ेंगे, और फिर कितने भी आप पंखे में सुखा लो सीलन तो रह ही जाती है।
तो आई होप आज बारिश ना हो, धूप निकल जाए, अच्छे से मेरे कपड़े सूख जाए। ये मेरी एक बार की कपड़े धुल गए हैं, दूसरे बार की मैंने इसमें डाल दी है। और बाहर जैसे मैंने झाड़ू नहीं लगाया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा मिट्टी थी, तो मैंने सोचा उसे वॉश ही कर दूँ। और बाहर आजकल सामान रखा हुआ है, जैसे बेड वगैरह चेंज किया था, बेड का वो प्लाई चेंज किया था, तो यहाँ पर ही रखा हुआ है वो, तो इसका भी इंतज़ाम करेंगे कहीं ना कहीं रखने का। बट ये रखा हुआ है ना, तो जगह पर घिरा हुआ है, बट इसका अभी कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे थोड़ी सी जगह निकलती है जिसे थोड़ा सा मैंने पानी से वॉश कर दिया है। और मैं डेली बेसिस पे पोछा लगाती हूँ, वॉश नहीं करती हूँ, बट आज थोड़ी मिट्टी थी और इसलिए मेरा भी मन कर रहा था कि वॉश कर दूँ। तो वॉश करने से थोड़ा सा धो देने से काफ़ी दिन भी हो गया था, तो इसलिए मैंने यहाँ पर धो दिया है। बस उसके बाद जिस दिन पानी पानी का काम होता है ना, उस दिन मैं वाइपर से पोछा लगाती हूँ, उस दिन मॉप नहीं करती। मतलब वो जो ऑनलाइन मंगाई थी ना, उससे मैं पोछा नहीं लगाती हूँ, क्योंकि उससे पोछा लगाने में तभी फ़ायदा होता है जब आपका घर बिल्कुल क्लीन हो, घर में बिल्कुल कचरा ना हो। बट अभी मैंने जैसे पानी का काम कर रही हूँ, बालकनी वगैरह धोया है, कपड़े वगैरह धुल रहे हैं, तो पूरे घर में पानी पानी हो रहा है, तो फिर इसलिए उससे पोछा लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उतनी अच्छे से क्लीनिंग नहीं होती है। तो इससे वाइपर से लगा दो, अच्छे से बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाती है। और जिस दिन जल्दी का काम होता है कि फटाफट काम को निपटाना है, उस दिन मैं वाइपर से ही पोछा लगाती हूँ। तो ये देखिए मेरे कपड़े भी एक तरफ धुल रहे हैं, दूसरी तरफ मेरे घर में पोछा भी लग गया है। तो बस यहाँ पे ज़्यादा आज ऐसे मॉर्निंग में कुछ काम नहीं है, जो एक्स्ट्रा काम है आज मैं वो ही कर रही हूँ। तो बस कपड़े मेरे ऑलमोस्ट धुल चुके हैं, बस अब दोपहर का काम रह गया उनको उतार के सुखाने का। बज रहे हैं 10:30 मॉर्निंग का, मेरा ऑलमोस्ट काम हो चुका है, कपड़े भी सूखे हैं। बस बारिश की भरवाली होनी चाहिए, आनी नहीं चाहिए यार, मेरे कपड़े सूख जाने चाहिए, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा दिक्कत मुझे, क्योंकि उठाओ फिर सुखाओ, उठाओ सुखाओ, बस हालत खराब हो जाएगी। बस 12 बस एक काम रह गया परी को लाने का, और उसके बाद बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करने का है ना मेरा गंदू बॉय। तो बस आज का ब्लॉग कर देते हैं यहीं पे एंड। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाय बाय।